हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं श्री भृगुवर्बल्स। मेरा नाम है निक भार्गव। दोस्तों वेलकम बैक। एंड आज का ब्लॉग फोकस है दोस्तों क्लासिकल मेडिसिन के ऊपर। आप जानते हैं मेरे सारे ब्लॉग क्लासिकल मेडिसिन के ऊपर रहते हैं। बाय चांस अगर आपको ये नहीं मिलते हैं मार्केट में तो आप मेरे से परचेज कर सकते हैं और इनका सब्स्टिट्यूट मैं आपको बताऊंगा। क्लासिकल मेडिसिन में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे योग ऐसे होते हैं जो कंपनीज बनाना बंद कर देती हैं और उनका सब्स्टिट्यूट तैयार करती हैं। वो क्यों करती हैं कि उसमें जो घटक होते हैं उनमें प्रॉपर अच्छे से और उस चीज़ को बढ़ा के, यानी कोई भी फॉर्मूला है तो उस चीज़ को और अच्छे से प्रॉपर करके, यानी उसका अपडेशन करके, उसको अच्छे से और अपडेट करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाती है, जिसका उसका असर है वो तीव्र हो, एकदम जटिल हो, उसमें टाइम कम लगे। जब घटक यानी जब कंटेंट्स बढ़ते हैं तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है। वर्क दोनों का सेम रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्रमी कंठक रस और क्रमी कुठार रस, ये दो नाम मैंने आपको जो बताया, इन दोनों का वर्क सेम है, यानी ये पेट में कीड़े मारने के काम आता है। क्रमी कंठक रस और क्रमी कुठार रस, ये दोनों का वर्क सेम है पर नाम अलग अलग है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, सभी कंपनियां अलग अलग प्रोसेस से अपने अपडेशन करते रहती हैं और जो क्लासिकल मेडिसिन होती हैं उनका बेस सेम रहता है, उनका कॉम्पोजिशन सेम रहता है। तो कोई भी क्लासिकल मेडिसिन आप किसी दूसरे नाम से मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ या आपको कोई और प्रोवाइड करवा रहा है दूसरे नाम से, अगर उसका वर्क सेम है, कंटेंट सेम है, तो आप बेहिचक उसको ले सकते हैं विद 0% साइड इफेक्ट्स और कोई भी चीज़ सोचे बिना। हो सकता है कि आपको वो चीज़ सूट कर जाए और आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्द से आप उसको निजात पा सकें। ऐसा ही मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा दोस्तों, और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई अलग नाम मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं तो आप बेहिचक रहिए, बेहिचक उसको लीजिए। आपको कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं 100%। जो भी मैं आपको चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा वो ऑथेंटिक प्रोवाइड करवाऊंगा विद 0% साइड इफेक्ट्स के साथ। सो दोस्तों आज का ब्लॉग फोकस है रत्नगिरी रस के ऊपर। रत्नगिरी रस एक क्लासिकल कॉम्पोजिशन है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। अपने ब्लॉग्स में इसको मैंने कवर किया है, इसके घटक के बारे में जानेंगे, इसके उपयोग के बारे में जानेंगे, इसके कंजम्पशन के बारे में जानेंगे, यानी इसको आपको लेना कैसे है, कब लेना है और किसको लेना है। सो दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की ब्लेसिंग से मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है दोस्तों, और भी मेरे को प्रोग्रेस की ज़रूरत है। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल को ग्रो करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रत्नगिरी रस के डलता क्या है, यानी इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले डलता है शुद्ध मैंसिल। शुद्ध मैंसिल आप देख रहे हैं दोस्तों पिक्चर्स में, ये ऐसा दिखता है, सिंदूर कलर का होता है, इसका कलर सिंदूर है पर ये सिंदूर नहीं है, मैंसिल अलग चीज़ होती है, सिंदूर अलग होता है। तो इसमें शोधित मैंसिल यानी शुद्ध मैंसिल डलता है। फिर डलता है शुद्ध हिंगुल, जिसे हम सिंगरफ भी कहते हैं, शुद्ध हिंगुल डलता है। लौंग डलता है, जायफल, अदरक, धनिया, धनिया यानी जो आप जानते हैं धनिया, और एंड में डलता है मिश्री। इसके घटक में आपको दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले डलता है शुद्ध मैंसिल, शुद्ध हिंगुल, लौंग, जायफल, अदरक, धनिया, और एंड में डलता है मिश्री। तो इन सभी के मेल से, इन सभी का स्केल अलग अलग लिया जाता है दोस्तों। तो आप चाहें तो इसका सेपरेट ब्लॉग प्रोसेस का मैं बना सकता हूं, तो नीचे कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें उस पर, तो मैं सेपरेट ब्लॉग इसका ज़रूर बनाऊंगा। रत्नगिरी रस के मैंने आपको घटक बता दिए दोस्तों, ये इन सभी घटकों से रत्नगिरी रस का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग, यानी ये जो रत्नगिरी रस है वो किन चीज़ों में उपयोग होता है। सो दोस्तों वैसे मैं आपको बताऊं, जो पुराने से पुराना जो ज्वर होता है, रक्त विकार ज्वर हो, आपका वात विकार ज्वर हो, जितने भी वात विकार हैं, कफ विकार हैं और पित्त विकार रोग हैं, उन सभी पे ये रत्नगिरी रस काफ़ी अच्छा काम करता है। तो दोस्तों पुरुषों में, वयस्कों में और बच्चों में जो पुराने से पुराना ज्वर होता है, जो काफ़ी टाइम से उनके शरीर में है, उसका इलाज नहीं है, हर एक चीज़ से आप गुजर चुके हैं, हर एक डॉक्टर से आप सलाह ले चुके हैं, उसके बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप रत्नगिरी रस का एक बार यूज़ करके देखें, उसको लेके देखें, तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। और ये निर्भय औषधि है। निर्भय औषधि का मतलब ये होता है कि इसमें ऐसे कोई गुण नहीं है जो आपको ज़्यादा लेने पे तकलीफ दें, पर उसमें भी आपको थोड़ा एज के हिसाब से माइंड रखना पड़ता है क्वान्टिटी। तो इसमें बच्चों को देना है दोस्तों एक से आधा रत्ती, यानी वही चने के दाने बराबर से कम, यानी चावल के दाने बराबर ले सकते हो आप शहद से, कि जे अगर प्रॉब्लम है, रुका हुआ ज्वर है, हड्डी बुखार है, आपको हड्डी में रोग है,
तो उसमें आप रत्नगिरी रस दे सकते हैं बच्चों को। 24 घंटे में एक बार दीजिएगा और 2 दिन के गैप में दीजिएगा, यानी रोज मत दीजिए बच्चों को, कम दीजिए और 24 घंटे में एक बार 2 दिन के गैप में। शहद से अगर आप देंगे रात को सोते समय देना है, सिर्फ शहद से अगर आप देंगे तो काफ़ी अच्छे लाभ मिलेंगे। और वयस्क जो बड़े लोग हैं वो डेली ले सकते हैं 24 घंटे में एक बार रात को सोते समय शहद से। तो ये रत्नगिरी रस का ब्लॉग है दोस्तों, इसके मिलता जुलता कॉम्पोजिशन अगर मेरे को मिलेगा तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। नाम अलग हो सकता है पर कंटेंट्स और जो उसका सिस्टम है, जो उसका वर्किंग प्रोसेस है वो सेम रहेगा, यानी उसकी जो मारक क्षमता है, किन रोग में काम करेगा मैंने आपको बता दिया है। पुराने से पुराने रोग जो आपको चले आ रहे हैं, जो जटिल रोग हैं जो आपके शरीर में बस चुके हैं, उन सभी को खत्म करने की क्षमता रखता है रत्नगिरी रस। तो अब इससे मिलते जुलते कॉम्पोजिशंस भी बहुत हैं दोस्तों अपने आयुर्वेदिक में, और इसके अपडेटेशन यानी ये अपडेट होता रहता है तो इसके अपडेट वर्जन भी बहुत हैं। तो अगर मैं आपको कोई अदर नेम से या अदर कंपनी से बताता हूँ तो आप उसको एक बार लेके देखिए, आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलेंगे। नाम डिफरेंट हो सकता है पर उनका जो वर्क है वो सेम रहता है। सो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग रत्नगिरी रस के ऊपर, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। कोई भी चीज़ हो आपको परेशान कर रही है उसके बारे में आप बेहिचक पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और कभी भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आप बेहिचक कॉल करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।